ओम शांति दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कभी कभी हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि कौन सा ऐसा गुण है जो हमको हर परिस्थिति में सफलता दिला सकता है। दोस्तों, एक बारी की बात है कि गुरुकुल में तीन छात्र आपस में बात कर रहे थे। उनमें से एक बहुत ज्ञानी था, एक बहुत मेहनती था और एक बहुत चतुर था। तो तीनों में बात करते करते वो एक आर्ग्यूमेंट में बदल गया और तीनों अपनी बात को सिद्ध करने लगे कि ज्ञान ही हमको सफलता दिलाता है। जीवन में अगर हम चतुर हो तो चतुरता हमको सफलता दिला देती है, और तीसरा कहता है कि अगर हम मेहनती हैं तो ही हमको सफलता मिल सकती है। उनकी बात को सुनते सुनते पूरे गुरुकुल में शोर मच गया। वहां गुरुकुल के जो गुरुदेव थे, महात्मा थे, वो वहां पर आए। उन्होंने कहा कि भाई किस बात पर तुम्हारी इतनी चर्चा हो रही है, जो गुरुकुल बिल्कुल शांत रहता है आज वहां पर बहुत हलचल है। तीनों ने अपनी समस्या महात्मा जी के आगे रख दी कि गुरुजी आप ही बताइए। तो ऐसा सुनकर वो मुस्कुराने लगे और उनको अपने कमरे में बुलाया और कहा कि इसका उत्तर तुम्हें आगे मिलेगा। फिर उन्होंने अपनी बात को आगे रखते हुए कहा कि देखो बच्चों, यहां से करीब 2 हफ्ते बाद एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता दूसरे प्रदेश में हो रही है। वो स्थान जो है पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, कई जंगलों को क्रॉस करके आता है। वहां तुमको जाना है और हमारे इस गुरुकुल को वहां पर जाकर रिप्रेजेंट करना है। तुम में से जो भी वहां से सफल होकर आएगा वही इस परीक्षा का विजेता माना जाएगा, इस बात का विजेता माना जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम अपनी बात को रखने के लिए अपने गुरुकुल को वहां रिप्रेजेंट करेंगे, वहां अलग अलग जगह से विद्वान आएंगे। तो महात्मा ने कहा कि ठीक है, तुम वहां जा रहे हो, लेकिन अपने साथ एक और व्यक्ति को भी लेकर जाओ, एक और छात्र को भी लेकर जाओ। उन्होंने चौथे छात्र को भी उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया। वो नया छात्र था, उसे ज्यादा कुछ पता नहीं था लेकिन बहुत संयमशील था। और दोस्तों, वो चारों यात्रा पर निकल चुके। गुरुजी ने कहा कि इस चौथे छात्र को पहाड़ी रास्तों का ज्ञान है, इसलिए इसे लेकर जाना जरूरी है। दोस्तों, जैसे ही वो चले, एक गांव क्रॉस हुआ, दूसरा शहर क्रॉस हुआ। एक शहर में पहुंचे ही थे तो वहां चर्चा हो रही थी कि भाई इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा, ज्ञानी सबसे ज्यादा कौन है। तो दोस्तों, जब ऐसी शास्त्रार्थ और चर्चा चल रही थी तो उन चारों लोगों में से जो ज्ञानी था वो रुका और कहता है, रुक जाओ भाई, जरा मैं इस प्रतियोगिता में भाग ले लूं। तुम ऐसा करो, तुम लोग आगे चलो, यहाँ तो मुझे 1 या 2 दिन ही लगेंगे, यहाँ प्रतियोगिता को जीतूंगा भी मैं, वहां से धन भी आएगा, वो हमारे गुरुकुल में काम भी आएगा और मैं तुम लोगों को आगे ज्वाइन कर लूंगा। ऐसा कहकर वो उन चारों लोगों में से हट गया और वहां पर रुक गया। दोस्तों, तीनों बाकी छात्र थे वो चुपचाप अपने मंजिल की ओर चल दिए। आगे चलते चलते एक और गांव आया, वहां पर बहुत लोग परेशान थे। वहां एक बहुत बड़ी इमारत, एक भवन बना रहे थे, लेकिन भवन बनाते बनाते वहां पर उनको कुछ डिफिकल्टी आ गई थी। दोस्तों, जब डिफिकल्टी आई, लोग वहां पर लगे हुए, तो जो मेहनती व्यक्ति था उसके पास बहुत सारे लोग आए कि आप ही यहाँ पर रुकिए, यहाँ पर रुककर हमारी मदद करिए, हमको बताइए कि कैसे हम अपने लोगों को सबको इकट्ठा करके इस कार्य को कर सकते हैं, केवल 2 दिन हमको दे दीजिए। तो वो जो मेहनती छात्र था वो भी वहां पर रुक गया। उसने कहा ठीक है, अगर आपको मेरी जरूरत है तो मैं यहाँ पर 2-3 दिनों के लिए रुक जाता हूँ। और अपने बाकी बचे 2 मित्रों को बोला कि आप ऐसा करो, आप आगे चलो, इन लोगों को मेरी जरूरत है, मैं यहाँ पर रुककर इनका कार्य समाप्त कराकर, कंपूर्ण कराकर फिर मैं आप लोगों को ज्वाइन कर लूंगा, हम आगे चलते चले जाएंगे। अब बाकी दोनों छात्र क्या करते, वो भी बेचारे वहां पर रुक गए। उन्होंने कहा ठीक है, आप यहाँ पर रुको, हम आगे चलते हैं। अब जो तीसरा चतुर बचा था वो समझ गया कि मेरे बाकी दोनों मित्र तो यहाँ पर रुक गए, अब वो आएंगे, उनकी खूब प्रशंसा होगी, वो कुछ ना कुछ अचीव कर आएंगे। लेकिन उसके मन में ये भी था कि जिस मार्ग पर हम जा रहे थे वहां से हम डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, मुझे नहीं होना है। तो ऐसा समझकर वो अपने छोटे वाले चौथे छात्र के साथ आगे चल दिया। दोस्तों, 4-5 दिन और बीते। बीते बीते वो एक जंगल को क्रॉस कर रहे थे। वहां पर जंगल में शाम हो चुकी थी। एक कुटिया थी, एक कुटिया के बाहर छोटी सी कन्या बैठी हुई थी। उस कन्या को देखकर वो रुक गए। कन्या रो रही थी, उसने कहा कि भाई मैं अकेली हूँ, मेरे माता पिता घूम गए हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो अभी तक वापस नहीं आए हैं, मैं क्या करूं। तो जो चतुर था उसके मन में कुछ प्रश्न आए। उसने कहा भाई इसको अकेले छोड़कर जाना ठीक नहीं है, मुझे यहाँ पर रुक जाना चाहिए, इसकी मदद के लिए रुक जाना चाहिए। उसने अपने चौथे मित्र को कहा कि भाई देखो, इसको मदद की जरूरत है, इसके माता पिता नहीं आए, मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर रुक जाता हूँ। और ऐसा कहकर वो वहां पर रुक गया। 1 दिन 2 दिन वहां पर बीते, वो वहीं पर रुका रहा जब तक उसके माता पिता नहीं आए।
लेकिन ये सब जब हो रहा था तो वो चौथा छात्र था वो धीरे धीरे उन तीनों को पीछे छोड़कर अपनी मंजिल की ओर चल दिया। उसको जंगल का ज्ञान था, रास्तों का ज्ञान था, पहाड़ों के रास्तों का ज्ञान था, और ऐसे करते करते वो उस शहर पर पहुंच गया जहां पर प्रतियोगिता थी। इन कुछ दिनों के अंदर उसने अपने सीनियर दोस्तों का, सीनियर छात्रों का ज्ञान भी सुना, उनकी चर्चाओं को भी सुना, और करते करते चुप रहते हुए उसने बहुत सारी बातें उनसे सीख ली। भाव स्वभाव की बातें, लोगों की बातें, व्यवहार की बातें, शास्त्रार्थ की बातें उसने उनसे सीखी। तो वो अकेला ही था तो उसने अपने गुरुकुल को वहां पर रिप्रेजेंट किया। और दोस्तों अद्भुत बात देखिए, जो वो संयमशील जो छात्र था उसने प्रतियोगिता में इतने अद्भुत तरीके से उसने अपने क्वेश्चंस का आंसर किया कि वो उस प्रतियोगिता को जीत गया, नंबर वन आया। जिस दिन वो नंबर वन आया उसी दिन उसके बाकी तीनों मित्र भी आए और उन्होंने कहा भाई हम प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए हैं, लेकिन तब तक लेट हो चुका था। और उसको मेडल मिला, उसको राशि भी मिली, और ऐसा इकट्ठा करके वो चारों लोग अपने गुरुकुल की ओर चल दिए। गुरुकुल पहुंचे तो उनके गुरुदेव जो थे वो मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने देखा कि उनका चौथा छात्र जो था, जो सबसे यंग था, वो उस प्रतियोगिता को जीत चुका था। तो उसने कहा कि भाई अब तुम सबको तो अपने प्रश्नों का उत्तर मिल ही गया होगा। तो उन सब ने अपना सिर झुका लिया। उन्होंने कहा कि देखो इस दुनिया में और इस जीवन में यदि तुम्हें विजयी होना है तो ज्ञान की आवश्यकता है, लेकिन ज्ञान ही सब कुछ नहीं। चतुर होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन समझ और चतुर होना ही हमारे जीवन में हमको सफलता नहीं दिलाता। मेहनती होना भी आवश्यक है, लेकिन मेहनत के साथ साथ यदि बाकी सब चीजें नहीं है तो भी तुमको सफलता नहीं मिल सकती। लेकिन एक ऐसा गुण है जो बाकी सब चीजों को ले आता है, और वो है पावर ऑफ परसिस्टेंस, यानी प्रयत्नशील लगातार रहना। दोस्तों वो चौथा जो छात्र था वो प्रयत्नशील था। पावर ऑफ परसिस्टेंस, जो व्यक्ति जीवन के अंदर सदा प्रयत्नशील रहते हैं वो कुछ भी चाहे अपने जीवन में अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि एक गुण जो सब गुणों को आह्वान करके अपने जीवन में बुला लेता है, हमारे जीवन की सब कमियों को समाप्त सदा के लिए कर देता है, वो है सदा परसिस्टेंट रहना, पावर ऑफ परसिस्टेंस। दोस्तों आज तीन बातें जो मैं पावर ऑफ परसिस्टेंस के बारे में बताऊंगा, ये बातें आपके मन को, आपके जीवन को एक नया दिशा निर्देश देंगी। दोस्तों पावर ऑफ परसिस्टेंस जो है ये एक ऐसा गुण है जो छुपा हुआ रहता है। बाकी सब लोग तो अपने गुणों का प्रदर्शन बाहर कर सकते हैं, लेकिन पावर ऑफ परसिस्टेंस एक श्रेष्ठ और शक्तिशाली मनोबल का कॉन्सिक्वेंस है। जो व्यक्ति मन से दृढ़ होता है, डिस्ट्रैक्शन से कभी भी हिलता नहीं है दोस्तों, उस व्यक्ति के जीवन के अंदर परसिस्टेंस उसको सदा सफलता दिलाती है। वो सारे गुणों को अपनी तरफ स्वतः ही आकर्षित कर लेती है। इनफैक्ट पावर ऑफ परसिस्टेंस ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है दोस्तों। यदि आप देखें तो जल पानी के अंदर कोई शक्ति नहीं होती है दोस्तों। पानी और पहाड़ में देखा जाए तो पहाड़ को हमेशा शक्तिशाली माना जाएगा, लेकिन पानी की निरंतरता ही, पानी की कंटिन्यूअस फ्लो ही उसके अंदर शक्ति भरती है, और चट्टान और पहाड़ जैसी रॉक्स को भी वो काट कर अपना रास्ता बना लेता है दोस्तों। यह है पावर ऑफ परसिस्टेंस की ब्यूटी। और यही नहीं दोस्तों, जब हम परसिस्टेंस को रोज अपने जीवन में यूज करते हैं तो हमारे अंदर धैर्यता आती है, हमारे अंदर समझ आती है, हमारे अंदर चतुरता आती है। और जो व्यक्ति प्रयत्नशील है वो स्वतः ही मेहनती तो होता ही होता है। जो व्यक्ति बहुत अधिक ज्ञान नहीं रखता दोस्तों, लेकिन प्रयत्नशील होते हुए भी संसार और लोग उसको स्वतः ही ज्ञान प्रदान कर देते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों यदि हम जीवन में सफल होना चाहते हैं तो प्रयास को कभी मत छोड़िए। कभी कभी हम जीवन में हताश हो जाते हैं, कभी कभी हम जीवन में परेशान हो जाते हैं दोस्तों, लेकिन जब हम लगातार प्रयत्नशील रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं दोस्तों, तो कठिन से कठिन परिस्थिति, दुर्गम से दुर्गम मार्ग, बिगेस्ट से बिगेस्ट चैलेंज को भी हम अपने मनोबल से ओवरकम करके उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अपने भी मन के जीवन के अंदर प्रयत्नशील सदा रहिए, पावर ऑफ परसिस्टेंस को सदा अपने जीवन के अंदर धारण करिए, अपने बच्चों में, अपने वर्क प्लेस पर, स्वयं के अंदर, अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। दोस्तों जब हम इस गुण का इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली सक्सेस, खुशी और आनंद की प्राप्ति हमको स्वतः ही होती चली जाएगी। ओम शांति दोस्तों, शुक्रिया। इस 3T सीरीज में इन्हीं छोटी छोटी बातों के माध्यम से हम आपके जीवन के परिवर्तन को करने के लिए,
आपके जीवन के अंदर मार्गदर्शन देने के लिए कुछ बातों को लेकर उपस्थित होते हैं। और यदि ऐसी कुछ बातें आप और सुनना चाहते हैं, आपके मन के अंदर कुछ प्रश्न है, तो हमको लिख भेजिए bkdrmohitgupta@gmail.com पर। आपकी ही बातों को आपके सामने लेकर हम उपस्थित होंगे, छोटे छोटे किस्सों के द्वारा, कहानियों के द्वारा। और क्या पता ये टॉक्स दैट ट्रांसफॉर्म, ये छोटी बातें आपके जीवन और अनेकों के जीवन को सदा के लिए परिवर्तित कर दे। ओम शांति।